नमस्कार। मैं जो चलो आज का मेरा न्यू ब्लॉग और दोपहर के बजे हुए 12, कुछ देर में मेरे बच्चों को लाने का टाइम हो जाए। अभी थोड़ी देर में जाऊंगी तो जाने के लिए इसलिए रेडी हो गई और बच्चों को लेने के लिए एकदम डाकू सी लग रही है ना। सर क्या करें, पॉल्यूशन इतना जाना पड़ेगा। लोग कह रहे होंगे कि मेरा फेस की हालत ऐसी क्यों है और ये क्या हुआ है। तो कल मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं घर से निकली बच्चों को लेने के लिए और जाते ही टाइम मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी स्कूटी की स्पीड भी इतनी नहीं थी, 40 के करीब थी मेरी स्कूटी की स्पीड और ऑटो वालों ने साइड से मुझे टक्कर मारी, मैं गिर गई, चलती हुई गई। काफ़ी चोट आई मुझे, यहाँ पे लग गई, यहाँ पे कट लग गया इसके पास और लिप्स आप देख ही रहे हो, यहाँ पे भी गुम चोट है, सिर पे भी, मुँह में और पैर में गुम चोट भी। मेरी चोट बहुत गहरी आई है, घुटने टूटने से तो बच गए लेकिन जख्म इनमें बहुत ज़्यादा गहरा है और मैं थोड़ा सा घिसड़ने की वजह लगी है इस पैर में। और देखो ये मेरी उंगली आई है, ज़्यादा स्वेलिंग आ गई इनमें बहुत ज़्यादा। एक्सीडेंट हुआ तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा लग चुकी थी, फिर वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने मुझे उठाया वहाँ से, स्कूटी को साइड में किया, मुझे उठा करके एक खाट पे लिटाया। मैंने फिर उनसे बोला कि भाई मेरा फ़ोन निकाल के दे दो स्कूटी के अंदर से, मुझे कॉल करनी अपने घर वालों पर। फिर मैंने कॉल की और उनको बताया कि मेरा ऐसे ऐसे करके एक्सीडेंट, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो एक पड़ोसी भाई वहाँ से निकल रहे थे, वो भीड़ को देख के ये देखने के लिए आए कि कौन है। तो उन भाई ने मुझे पहचान दिया, मेरा ट्रीटमेंट करवाया और इतने मेरे छोटे ससुर और मेरी छोटी सास और मेरी माँ मुझे हॉस्पिटल में पहुँच गए देखने के लिए। और मैंने हॉस्पिटल से ही टीचर के पास कॉल की और उनको बोला कि मेरा ऐसे करके एक्सीडेंट हो गया है, बच्चों को लेने के लिए कोई और आएगा, मेरे बच्चे उन्हें दे दिए जाएं, क्योंकि स्कूल वाले मेरे अलावा बच्चों किसी को देते नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, मुझसे बात होएगी, फॉर्म भरवाएंगे उसके बाद ही वो बच्चों को देते हैं। तो इसलिए मैंने वहाँ स्कूल में भी कॉल की और फिर उसके बाद मेरा ट्रीट करवा करके मैं अपने घर आई। और घर पे भी सभी परेशान हुए, घर वाले पड़ोस वाले सभी मुझे देखने के लिए आए। और स्कूटी तो टूट गई है मेरी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट की वजह से, उसकी हालत तो काफ़ी ख़राब है, मतलब बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ। मेरे बहुत ही दर्द हुआ उस टाइम, मैं जो सीन था मैं बता भी नहीं सकती क्या सीन है क्या नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। और अब मैं कल से ही बेड पे लेटी हुई हूँ, फिलहाल मैं बहुत दर्द में हूँ और मैंने लाइफ में बहुत सफ़र किया है और उसके आगे ये चोट कुछ भी नहीं है और मैं बहुत जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाऊँगी, ठीक हो जाऊँगी। हेलो एवरीवन, आज मैं अपनी भाभी से मिलने आई हूँ जिनका आज एक्सीडेंट हुआ बहुत तगड़ा। दिखाओ भाभी आप, देखो ये हो गया, इनके हाथों पे लगा है, थोड़ा फेस पे भी लगा है। हाँ बना रही गाइज, आप देख रहे हो ना, बहुत ज्यादा लगा है, रोड पे एक्सीडेंट हुआ है गाइज।